हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। चैप्टर हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस। और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा प्लीज लेवल 24-25 लेटेस्ट एडिशन से पेज नंबर 13.54 पर। सो लेट्स स्टार्ट बीआरएस। देखो क्या बोला है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक बैलेंस दे रखा है मतलब हमारे लिए फेवरेबल है ये, ठीक है। तो ये प्लस कॉलम में लिख देंगे हम लोग 10,000 बिकॉज इट इज फेवरेबल बैलेंस। अब जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो पासबुक के हिसाब से करेंगे, मतलब हमें चेंज किस में लाना है, पासबुक में लाना है। और साथ ही साथ हमें ये मान के चलना है कि कैशबुक में भी बैलेंस है, ऐसा नहीं है कैशबुक में ओवरड्राफ्ट है। हमेशा ये याद रखना होता है कि जिस बुक से हम चल रहे हैं उसकी अपोजिट बुक भी सेम बैलेंस लेके चल रही है। अगर सेम रेंज है मतलब बैलेंस है तो वहां पे भी बैलेंस है, अगर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है तो वहां पे भी ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। बैंक में चेक आ गया मतलब बैंक का पासबुक बैलेंस 500 रुपीज से बढ़ गया, बट कैशबुक में बैलेंस नहीं बढ़ पाया क्योंकि ये एंट्री हम करना भूल गए कैशबुक में। तो हम एक काम करें, अभी तो हम कैशबुक से चल नहीं रहे, अभी हम पासबुक से चल रहे हैं। पासबुक में 500 से बैलेंस बढ़ा हुआ है तो इस बैलेंस को हम 500 से कम कर देते हैं, जिससे किससे मैच हो जाएगा, कैशबुक से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैशबुक बट नॉट सेंट टू द बैंक। एक चेक ऐसा था जो हमने कैशबुक में एंटर भी कर लिया, मतलब चेक हमारे पार्टी का रिसीव हुआ और हमने कैशबुक में एंटर कर दिया, कैशबुक में बैलेंस 1200 रुपीज से बढ़ गया, पर हम उस चेक को भेजना बैंक के अंदर डिपॉजिट करना भूल गए, तो मतलब पासबुक में नहीं बढ़ पाया। तो अब हम क्या करेंगे, 1200 रुपीज से पासबुक बैलेंस को भी बढ़ा देंगे जस्ट फॉर मैचिंग इट विद द कैशबुक, कैशबुक से मैच करने के लिए इसको भी बढ़ा दिया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द कैशबुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, ये कास्ट होना चाहिए, कास्ट शॉर्ट बाय ₹200। क्रेडिट साइड की कास्टिंग शॉर्ट है। देखो क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है कैशबुक की, पेमेंट साइड। अगर आपने पेमेंट साइड को शॉर्ट कास्टिंग करी मतलब इसकी टोटलिंग अगर शॉर्ट करी है तो इसका मतलब कैशबुक का जो बैलेंस होगा वो कैशबुक का बैलेंस ₹200 से ज्यादा होगा, क्योंकि आपने अगर पेमेंट शॉर्ट टोटल मारा है तो बैलेंस ज्यादा बन के आएगा। कैशबुक का बैलेंस 200 से ज्यादा है तो हम एक काम करते हैं, पासबुक के बैलेंस को भी मैच करने के लिए 200 से बढ़ा देते हैं हम लोग। हम एक्चुअल में पासबुक में नहीं कर रहे, हम सिर्फ बीआरएस में बढ़ाकर चेक कर रहे हैं जिससे वो कैशबुक से मैच हो जाए। इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस ₹600। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो बैंक ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ₹600 से कम हो गया, बट कैशबुक में हमने एंट्री नहीं करी, ठीक है, कैशबुक में एंट्री नहीं कर पाए। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पासबुक से चल रहे हैं, पासबुक का बैलेंस 600 से कम हो चुका है तो हम पासबुक के बैलेंस को 600 से वापस बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे जिससे कैशबुक से मैच हो जाए। ये हो गया केस। नाउ बैंक चार्जेस ट्वाइस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैशबुक ₹20। बैंक चार्जेस एक बार एंटर होना चाहिए था कैशबुक में और एक बार एंटर्ड होना चाहिए था पासबुक में, जो तो हुआ, बट इट वॉज एंटर्ड ट्वाइस, कैशबुक में भी दो बार एंटर हो गया, मतलब कैशबुक का जो बैलेंस है एक्स्ट्रा ₹20 से कम हो गया, बैंक चार्जेस दो बार एंटर हो गए इसलिए। तो हम क्या करें, पासबुक के बैलेंस को भी 20 से कम कर देते हैं, वी विल रिड्यूस द बैलेंस, सो इट गेट रिड्यूस्ड। नाउ नेक्स्ट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट ₹500। वी इशूड द चेक बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड, वेन वी इशूड द चेक कैशबुक बैलेंस वॉज ऑटोमेटिकली केम डाउन बाय ₹500 बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड मीन्स पासबुक बैलेंस डिडंट केम डाउन। तो हम क्या करेंगे, अब पासबुक बैलेंस को भी ₹500 अभी कम कर देंगे, माइनस कॉलम में लिख देंगे कम हो जाएगा। सो दिस वाज द नेक्स्ट एडिशनल। अब हमारे पास चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैशबुक ₹1000। एक चेक रिसीव हुआ, हमने कैशबुक में एक बार बढ़ाया और एक बार और बढ़ा दिया, तो एक बार तो पासबुक में भी बढ़ना था एक बार कैशबुक में भी बढ़ना था, बट यहाँ पर कैशबुक में डबल बार बढ़ गया तो कैशबुक का बैलेंस 1000 से ज्यादा है, हम पासबुक के बैलेंस को भी 1000 से बढ़ा देंगे जिससे कि वो कैशबुक से मैच हो जाए, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ₹5,000 विच वॉज रिवर्स बाई इट ऑन 5 अप्रैल। बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, किसी और पार्टी का इंटरेस्ट था जो हमें दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे पासबुक के बैलेंस को 5,000 से कम कर देंगे, क्योंकि कैशबुक में तो हमने एंट्री करी नहीं, किसी और का इंटरेस्ट था, तो इस वजह से हम इस बैलेंस को वापस कम कर देंगे। ठीक है, अब हम दोनों साइड की टोटल कर लेते हैं। हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे प्लस कॉलम की टोटल ज़्यादा है, दैट इज 10,000 प्लस 1,200 प्लस 800 प्लस 1,000, द टोटल इज 13,000। यहाँ का टोटल आ रहा है 13,000। अब हम इस साइड का टोटल भी कर लेते हैं, ये वैसे भी माइनस होगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। नो, दिस टोटल इज 500 प्लस 20 प्लस 500 प्लस 5,000, तो इट इज दिस टोटल इज 6,020। तो 13,000 में से हम लोग 6,020 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 6,020, वी विल गेट 6,980। ठीक है, डायगोनली अपोजिट बैलेंस आया, ये हमारा बेसिक बैलेंस है, तो दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस, दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कैश बुक बैलेंस से मैच हो गया हमारा। 6,980 इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो जब भी डायगोनली अपोजिट बैलेंस आ रहा है, ये हमने प्लस में लिखा और इससे डायगोनली अपोजिट बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर ये बैलेंस आ रहा है 6,980 का, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस है, और हम ये मान के भी चल रहे थे कि कैशबुक इज ऑल्सो कैरिंग द बैलेंस, दैट्स वाई दिस इज मैचिंग विद द पासबुक। सो गाइज आई होप इट इज क्लियर, इस तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।